गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे टिप्स के बारे में, तीन ऐसे उपाय के बारे में जिसकी मदद से आप अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा चेहरे पे जो भी बिल्कुल जो मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, वो बिल्कुल नेचुरल होंगी और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पर। जितना भी देखेंगे आप फायदा ही देखेंगे। तो गाइस, आज मैं आपको तीन टिप्स और कुछ सावधानी बताना चाहती हूँ अगर आपके फेस पे एक दो पिंपल्स निकलते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक दो पिंपल्स से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब पूरे चेहरे पे तो नहीं होते पर थोड़ा बहुत इधर उधर निकलते रहते हैं, जैसे कि आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसा होता है। तो इस उनको कैसे ख़त्म किया जाए। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत एक्ने या पिंपल्स हो जाए ना, तो हम दवाइयों का जैसे कि क्रीम, कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं चेहरे पे, पूरे चेहरे पे, जिसकी वजह से हमें करना पड़ता है और कुछ समझ में नहीं आता। तो इस आप अगर आपके चेहरे पे थोड़े बहुत पिंपल्स होते हैं, यहाँ इधर उधर थोड़ा बहुत एक दो पिंपल्स ऐसे निकलता ही रहता है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए उन चीज़ों के लिए क्या करें। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ सावधानियाँ हैं अगर आपको पिंपल्स हो रहा है, तो कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको रखनी है। जैसा कि आपको बार बार पिंपल्स को टच नहीं करना है, फोड़ना नहीं है, वरना ये जो बैक्टीरिया है वो फैल जाएगा और भी ज़्यादा पिंपल्स आपको हो जाएंगे, तो इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इसलिए आपको उसको टच नहीं करना है। और साथ ही आप क्या करें, इनको सुखाने के लिए, इनको ड्राई करने के लिए, आप स्किन को कम से कम दो से तीन बार, अगर पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है तो स्किन को साफ करते ही रहें जब भी कहीं जाएं बाहर। तो एक तो ये है, और पानी खूब पिएं, मतलब पानी का सेवन अच्छे से करेंगे तो अंदर से ही बॉडी साफ रहेगी, तो पिंपल्स भी अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, अब मैं आपको तीन जो टिप्स बताने वाली थी वो क्या है। तो पहला तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप्स बताती हूँ कि अगर आपको थोड़े बहुत पिंपल्स होते हैं तो उसके लिए आप करें क्या, कि भाप वगैरह ले लीजिए, नीम के पत्ते डालकर भाप ले सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब पिंपल्स ख़त्म करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए। कई बार क्या होता है छोटे छोटे से पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पे, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जैसा ऐसा लगता है ना, तो उसके लिए आप ये सब जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक है शहद, शहद का आप क्या करें, शहद को आप अच्छे से हाथ पर डालकर उसका ऐसे पेस्ट बनाकर उतनी जगह पे लगाएं जितनी जगह पे आपको पिंपल्स है। रात भर के लिए छोड़ दें, आप सुबह देखेंगे कि आपके पिंपल्स बिल्कुल कम हो गए, एक दिन में असर दिखाता है। दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी जो होती है, जो कि ड्राई करती है पिंपल्स को। पिंपल्स वाले स्किन के लिए मैं सलाह दूंगी कि आप मुल्तानी मिट्टी का उपयोग ज़रूर करें। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा लेमन मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करें। आप चाहे तो पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं या फिर उतनी जगह पे जहाँ पे पिंपल्स है, इसे भी आप लगाकर सूखने तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप साफ कर लेना पानी से। और तीसरा ये है कि आपको करना क्या है, एक वन मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तीसरा ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आपका पिंपल्स इससे ना जाए तो आप मतलब डॉक्टर को ज़रूर दिखवा लीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा पिंपल्स है तो डॉक्टर को दिखवाएं, और इन चीज़ों का तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि मतलब इनको करने से आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है इसमें, तो ये जो है ये बहुत अच्छा पिंपल्स पे काम करता है, किसी भी रिएक्शन पे, मतलब चेहरे पे कोई भी रिएक्शन हो, चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया है तो उन पे बहुत काम करता है। ये नीम का वो है बकला, अब आप जैसे नीम की खाल को खाल समझ रहे से, तो नीम के जो पेड़ की जो मोटी सी वो होती है उसका उधेड़ के ये मैं लाई थी अपने एक्ने पिंपल्स के लिए। तो यहाँ पे हम इसका एक दवाई बनाएंगे पिंपल्स के लिए दवाई, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक पत्थर चाहिए होगा, जैसे ये पत्थर ले रखा है, ठीक है। इस पर इसे घिसकर आप इस पर थोड़ा सा पानी डालकर इस पर घिसेंगे तो इसकी एक दवाई तैयार होगी, ठीक है, जिसे आपने अपने एक्ने पे लगाना है। इस तरीके से घिसते घिसते यहाँ पे एक देखो ये जो दवा तैयार हो रही है, इसकी जो निकल रही है, किसी भी पत्थर पे घिस लीजिए, मेरे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये आपने क्या करना है, इसको आपने अपने चेहरे पे लगा लेना है,
जहाँ पे आपको पिंपल्स है आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं इससे। अगर पूरे चेहरे पे है तो आप इसे पूरे पिंपल्स पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये पेस्ट है, ये आपकी एक्निक पिंपल को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसे उसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आपको एक्निक पिंपल है, थोड़ा बहुत होता रहता है। तो आप कुछ टाइम के लिए उसे लगाइए, मेहंदी लगा रखी है मैंने, और ये सूख जाए, ड्राई करेगा एकदम से, तो आपकी स्किन के जो भी बैक्टीरिया होगा उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने फेस पर, अगर आपको दाने निकल रहे हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें एक्निक पिंपल्स में, जैसे कि आपको बाहर की चीज़ें, जैसे कि हम लोग चाउमीन बर्गर, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि तेल से, ज़्यादा तेल से बनी हुई होती, तली हुई होती, तली हुई चीज़ें कम खाएं क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान देती हैं। साथ ही आपको और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आपको सावधानी रखनी, जैसे कि मीठा खाने से, मीठा भी ना खाएं अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो, कम मीठा खाएं, जैसे कभी बाई चांस हो गया तो ठीक है, वरना ज़्यादा मीठा नहीं खाएं क्योंकि ये भी पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ाता ही है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो गाइस इन जो ट्रिक्स बताई हैं ये आप घर में ही फॉलो कर सकते हैं, और पूरे फेस पे भी आप शहद लगाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका क्या होगा कि आपके चेहरे के जो पिंपल्स दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से कम होंगे। तो आप ज़रूर इनको ट्राई करिएगा। और ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि दूसरा मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ओके गाइस बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक का था, तो बाय।